Assalamualaikum to all of you. Welcome to Life with Alba Faisal and I hope you all are doing well. तो जो आज का ब्लॉग है वो हम स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आज के ब्लॉग में हमारी रूटीन क्या रही. तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ. जी जनाब, आज जो है दिन था संडे का, तो बस काम शाम करके हम जो है आज जा रहे थे अम्मी के यहाँ पर शाम में. और आज मैंने सोचा कि मैं जो है आज बाहर का क्लिप भी रिकॉर्ड कर लूँ. और मिर्हा जो है बिल्कुल रेडी थी अपने बाबा के साथ जाने के लिए बाइक पर. और मिर्हा जो है ना बाइक को देखकर बस एक्साइटेड हो जाती है. इसका ये होता है कि बस मुझे आगे बिठा दें और जो है ना बस मैं रेडी हूँ, अब मुझे नानी के घर पे जाना है या बाहर कहीं भी आप मुझे लेकर चले जाएं. तो बस इसके जो बाबा हैं इसको बाहर लेकर जाने के लिए रेडी थे और मिर्हा जो है ना अब बस बाइक पर बैठी हुई थी. और जो है बस चाबी जो है ना बस उसको नज़र आ जाती है तो इसकी कोशिश होती है पूरी कि जो है ना अब बस चाबी के साथ जो है ना खेलना है. इतने में ही मिर्हा के नानी और नाना आ गए थे. तो मिर्हा ने जो है ना ज़िद पकड़ ली थी कि मिर्हा ने आज जो है ना नानी के घर जाना है तो गाड़ी में जाना है. तो बस हम जो है पापा के साथ चले गए और फैसल जो है बाइक पर आ रहे थे. बस मिर्हा जो है अपने मामू के साथ आगे बैठी हुई थी, इसके नाना ड्राइव कर रहे थे. और मौसम जो है शाम में बहुत अच्छा हो रहा था, दिन में तो बहुत गर्मी थी. आजकल ऐसे ही हो रहा है कि मौसम जो है ना गर्म है और शाम में और रात में जो है ना मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता है. तो बस फिर जो है घर जाने से पहले जो है पापा मिर्हा को कुछ चीज़ दिलाने के लिए मार्केट ले गए थे. तो जैसे कि मैंने आपको पुराने ब्लॉग्स में पाकिस्तानी मार्केट, रशियन मार्केट वगैरह दिखाई है, तो आज जो है मैं आपको जहाँ लेके जा रही हूँ वो सिटी टाउन की खैबर मार्केट है. और ये खैबर पार्क है जिसकी हालत जो है ना बहुत नासाज हो चुकी है. अब पहले जो है ना इसकी हालत बहुत, मतलब बहुत ज़बरदस्त हालत की बात कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त पार्क था ये. बहुत ज़्यादा जो है ना इसको अच्छा किया हुआ था, प्लांट्स वगैरह थे यहाँ पर, लेकिन अब जो है ना बहुत हालत की ख़राब हो गई है. उजड़ा चमन बना दिया इस पार्क को भी. और अली रज़ा जो है बस मिर्हा को लेके शॉप पे चला गया था सामान वगैरह लेने के लिए. और मिर्हा जो है ना बस शॉप पे जाने के बाद जिद हो जाती है इसकी कि कुछ ना कुछ जो है ना अपने लिए लेकर आने. तो बस वो अपना बिस्किट, पापड़, स्नैक्स वगैरह जो भी आजकल मैं उसको दे रही हूँ ना, तो बस वो ले रही है. बस उसकी ज़िद होती है कि अब उस लैंटी को देख के तो उसके से पीछे लग जाती है कि बस वो उस लैंटी कभी ख़त्म ही ना हो और वो खाते रहे. अब जो है ना हम जा रहे थे अम्मी के यहाँ पर, मतलब मिर्हा की नाना नानी के यहाँ पर. तो हम लोगों ने रास्ते में जो क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड की थी, ये जो स्कूल है ना ये शालतीफ स्कूल है स्टिल टाउन में. जो आप लोग जानते होंगे या जो व्यूवर्स स्टिल टाउन से रिलेट करते हैं उन्हें पता होगा ये सब. ये जो है ना ये रास्ते में जो ये व्यू आ रहा है और ये हमारा सर सैयद, जो कि पहले मशहूर था चाकर खान स्कूल के नाम से, अब इसका नाम रख दिया है सर सैयद. अम्मी के यहाँ पर आज जो है आई तो मैं बन रही थी कलेजी, तवा कलेजी, मशहूर तवा कलेजी जो कि पापा बना रहे थे. तो बस उसी की तैयारी में पापा जो है ना आज लगे हुए थे. पापा के हाथ की तवा कलेजी की जो रेसिपी है ना बहुत मज़े की होती है. और जो है बस ये मैरिनेट करके पापा जो है कलेजी को रख देते हैं. और फिर तेल गरम हुआ तो इन्होंने कलेजी मैरिनेट करके जो रखी हुई थी ना वो इसमें ऐड कर दी. और इतने मज़े की, इतनी जूसी कलेजी लग रही थी कि बाहर की कलेजी भी क्या होगी. हम लोगों ने जो है ना बहुत सी बाहर की कलेजी ट्राई की है जो तवा कलेजी होती है, लेकिन आज जो पापा ने ये रेसिपी न्यू ट्राई की थी ना, ये मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़े की रेसिपी थी. इसमें बस इन्होंने टमाटर का पेस्ट जो था वो ऐड कर दिया. पहले से जो है ना कलेजी में मसाले वगैरह जो भी थे, पापा के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो थे ना, वो पापा ने मैरिनेट करके रखे हुए थे. और बस कलेजी हमारी गरम गरम तवा कलेजी तैयार है, जो कि तवा नहीं आज कढ़ाई में बनाई गई है. बस गार्निशिंग के लिए धनिया डाल रहे थे और इसका लुक इतना ज़बरदस्त लग रहा था, सिर्फ लुक ही नहीं जायके में भी बहुत मज़े की लग रही थी ये. तो बस हमारी तवा कलेजी रेडी थी, हम लोगों ने खाना खाया. और उसके बाद जो है ना अली रज़ा मिर्हा को लेकर बाहर चला गया, क्योंकि मिर्हा जो है ना नानी के यहाँ पर आने के बाद भी नहीं टिकती है. इसके ये होता है कोई ना कोई इसको बाहर लेके जाए दोबारा, जो है ना ये बस बाहर घूमती रहे. तो बस आज जो इसने टारगेट बनाया था वो अली रज़ा को बनाया था. आजकल तो नया शौक मिर्हा को आ गया है कि बस बैल देखती है, बोलती है मुझे जो है ना बैल बजाने दो. हम लोग आते हैं अम्मी के घर पे, सबसे पहले इसको बैल नज़र आती है और बोलती है कि इस तरफ इशारा कर देती है कि बस जो है ना मुझे अब बैल बजानी है. तो बस अली रज़ा को लेकर जो है ना बस आज ये यही घंटी बजा रही थी. और बार बार बस मिर्हा को शौक हो रहा था कि घंटी बजाते जाऊँ.
बस रात का टाइम था और मिरहा का जो है ना मूड थोड़ा ऑफ हो गया था, और मिरहा को आ रही थी नींद, और वो मिरहा जो है ना सोना नहीं चाह रही थी, तो बस वो अली रज़ा के साथ बाहर चले गई। जैसा कि मैंने बताया कि आज जो है ना उसने अली रज़ा को टारगेट बनाया हुआ था, तो बस वो अली रज़ा के साथ बाहर गई है और नींद भी आ रही थी, फेस एक्सप्रेशन से इसके पता चल रहा होगा। लेकिन इसको ये था कि बाहर भी जाना है और सोना भी नहीं है, घर लेके जा रहे थे तो घर पे भी रो रही थी, शोर कर रही थी, और बाहर जाए तो मूड भी ऑफ लग रहा था। तो बस जो है अली रज़ा के साथ थोड़ी देर बाहर बैठ कर मिरा अंदर चले गई और मिरा सो गई थी। आज अम्मी ने जो है ना रात के खाने में बनाया हुआ था पालक गोश्त, और बस हम जो है बाहर गए आज उसके बाद। तो बस अभी जो है ना हम गुलशन अतीत जा रहे हैं, तो पैसा जो है बाइक वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम गुलशन अतीत जाएंगे। तो जैसा कि आज आपको पता है संडे है, संडे मीन्स फंडे, तो आज जो है ना क्रेविंग हो रही थी कि आज जो है फ्राइज़ जो है खाए जाएँ। तो बस मैंने सोचा कि जो फेमस गुलशन हदीद के फ्राइज़ हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो बस आज जो है वहीं चलते हैं और फ्राइज़ खा लेते हैं, क्योंकि फ़्राइज़ की क्रेविंग हो रही थी। तो बस अब जो है हम गुलशन हदीद जा रहे थे फ्राइज़ खाने के लिए। आज जो है ना दूसरा रूट हम लोगों ने लिया था गुलशन हदीद के लिए, जो मेन हाईवे का रोड है ना, तो बस वहीं से हम लोग जा रहे थे। और ये जो है फिर बाइक में पेट्रोल वगैरह डलवाया ताकि जो है ना फिर हम गुलशन नदी जा सकें। और ये है मेन हाईवे का रोड, ये जो है ना बहुत चलता हुआ रोड है, तो मतलब बहुत बाहर की साइड से हम लोग आज गुलशन नदी जा रहे थे। तो जी मुझे जो क्रेविंग हो रही थी ना वो तो फ्राइज़ की थी, लेकिन फैसल को खाना था बर्गर। तो बस फिर वो अंडे वाला बर्गर फैसल ने खाया, और साथ में जो है ना मैंने ये मौका जाने नहीं दिया और मैंने भी अंडे वाला बर्गर एंजॉय कर लिया साथ में। तो बस ये जो है ना अंडे वाला बर्गर सिंध बर्गर जो है गुलशन अतीत का बहुत मज़े का होता है, और आज जो है ना इसकी चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, तो बस मज़ा आ गया था आज अंडे वाले बर्गर में। और ये फैसल बाइट ले रहे थे तो बहुत मज़े का आज इनको भी बर्गर लगा, क्योंकि फुल चटनी स्पाइसी थी। आप लोग भी मस्ट ट्राई करें सिंध बर्गर, अगर जो कोई व्यूवर है गुलशन हदीद का तो उसे पता होगा सिंध बर्गर का, और बहुत फेमस पॉइंट है। और आज काफ़ी रश भी था यहाँ पर, तो बस हम लोग जो है वही इंजॉय कर रहे थे। नाउ इट्स टाइम फॉर अ फ्राइज़, उसके बाद जो है मुझे फ्राइज़ की क्रेविंग हो रही थी, तो बस फिर जो है फ्राइज़ लेने के लिए हम लोग चले गए। और यहाँ पर जो है मज़ेदार से गर्मा गर्म फ्राइज़ तैयार हो रहे थे, और बस हम लोग जो है वेट कर रहे थे कि जो है कब फ्राइज़ रेडी और जो है हम लोग फ्राइज़ खाएं। और यहाँ पर जो है ना सारे मसाले चटनी और सारे फ्लेवर्स ऐड करके जो है ना ये भाई फ्राइज़ देते हैं, तो ये जो है ना मुझे अच्छे लगते हैं यहाँ के फ्राइज़। तो बस मैं वही जो है ना इसी पॉइंट पर आकर फ्राइज़ जब भी मुझे क्रेविंग होती है तो इन्जॉय करने के लिए बस मैं यहीं से फ़्राइज़ लेती हूँ, और बस घर जाके बैठ के जो है ना इन्जॉय कर लेती हूँ फ्राइज़ अपने। बस तो फिर फ्राइज़ रेडी हो गए थे और यहाँ पर जो है ना ये फ्राइज़ दे रहे थे अपने सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करके। और यहाँ जो है ना फैसल चिप्स टेस्ट करने के बहाने से चिप्स सारी जो है ना खा रहे थे, तो फैसल को यही कह रही थी कि जस्ट टेस्ट करना और अपने रिव्यूज़ देने, सारी खानी नहीं है क्योंकि चिप्स जो है ना मैंने बनवाई है। और बस यहाँ पर जो हम लोग चिप्स एंजॉय कर रहे थे, और बहुत बहुत मज़े की चिप्स थी ये, तो बस हम लोग जो है चिप्स खा के घर जा रहे थे। और यहाँ फैसल टेस्ट कर चुके थे, और टेस्ट करने से मुराद ये है कि वो जो है ना आधे से ज़्यादा चिप्स मेरी टेस्ट करने में ही खा गए थे। और यहाँ पर जो है हमारा रात का खाना रेडी हो गया था, पालक गोश्त। तो आज जो है बन गया है हमारा पालक गोश्त, और फैसल जो है टेस्ट करके बता रहे हैं कि कैसा बना है। फैसल से रिव्यूज लेते हैं। जी फैसल कैसा बना है? अच्छा पहले खा ले फिर बता देना। अच्छा बना है। चलिए भाई फैसल ने पास कर दिया ये।
आपको कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।